नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। नवजोत सिंह सिद्धू जो अब कांग्रेस नेता है, काफ़ी समय से इस कोशिश में है कि पंजाब में उन्हें एक बेहतर मुकाम पार्टी के अंदर मिल सके। इस बीच अब जब वो सारी कोशिशें करके थक चुके हैं, मुख्यमंत्री उन्हें ये हिंट दे चुके हैं कि उन्हें अब कांग्रेस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, फिलहाल पार्टी ने जो जो भी मौके दिए उसमें वो पिछड़ चुके हैं, अब नवजोत सिंह सिद्धू को ये समझ में आ चुका है कि अगर कम से कम पंजाब में टिके रहना है तो उन्हें किसानों को, किसानों के मुद्दे को मजबूती से पकड़ना होगा। और इसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से मुखातिब हुए और किसानों के बचाव में और जो नया किसान बिल आया है उसके खिलाफ जमकर उन्होंने बातचीत की, जमकर उस बिल के खिलाफत की और अपना पक्ष रखा। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू पहले काफ़ी कोशिश कर चुके हैं कि उन्हें कैबिनेट में कोई पद मिले या वो उप मुख्यमंत्री बन सके पंजाब के, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब हालात ये है कि दिन पर दिन जो उनके बहुत ही खास रिश्ते रहे, गांधी परिवार से राहुल गांधी के करीबी रहे, प्रियंका गांधी के करीबी रहे, अब वहाँ पर भी उस स्तर पर भी मनमुटाव हो रहा है। ऐसे में आने वाले चुनाव के लिए सिद्धू को ज़रूरत है एक मजबूत ज़मीन की कि वो बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में ही रहेंगे। कांग्रेस में रहे तो क्या उन्हें पहले जैसा ही रुतबा, पहले जैसी ही तवज्जो मिलेगी? ये सब तमाम बड़े सवाल हैं और यही वजह है कि सिद्धू ने किसानों को साधने की कोशिश की है और काफ़ी कुछ बातें कही हैं नए नियम के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा है कि मंडी सिस्टम में बाधा डालकर केंद्र सरकार पंजाब में किसानों की अर्थव्यवस्था को बद से बदतर स्थिति में पहुंचाने की फिराक में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में जो किसान हैं, वो बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो छोटे किसान हैं जो ठेके लेकर सौदे करते हैं, और बहुत सारे जो इसमें सौदेबाजी होती है वो ज़ुबानी होती है, जिनका पेपर वर्क कोई नहीं होता। ऐसे में ये जो भी नए नियम बनाए गए हैं, अगर वो लागू होते हैं तो ऐसे किसान जो ठेके पे ज़मीन लेकर किसानी कर रहे हैं, सब कुछ उनका ज़ुबानी काम हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा घाटे में जाएंगे और उसके बाद उनका खेती किसानी करने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, और इसलिए उन्होंने उस पूरे बिल की खिलाफत की है। अब देखना यह है कि सिद्धू तो जमकर किसानों के पाले में जा चुके हैं, किसानों की पैरवी कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस और दूसरे बहुत सारे दल किसानों की पैरवी कर रहे हैं, पर सिद्धू का किसानों के समर्थन में अचानक आकर इस तरीके से बड़े बयान देना, बयानबाजी करना बिना किसी पार्टी के उसके, तो ये काफ़ी कुछ साबित करता है। इससे काफ़ी कुछ मायने भी निकलते हैं। फिलहाल कांग्रेस पे तो उनकी बखत है नहीं, ये भी कहा जाता है कि हो सकता है वो वापस बीजेपी में शामिल हो जाएं, पर अगर इसी तरीके से केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ अगर वो आग उगलते रहेंगे तो ये संभावनाएं बेहद कम हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धू के लिए नई पार्टी के दरवाजे खुल रहे हैं, हो सकता है आने वाले चुनाव में वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ते दिखाई दें। ऐसे में अगर उनका ये जो स्टैंड है किसानों के लिए और इस तरह की जो बयानबाजी है वो फायदेमंद साबित हो सकती है। अब ये जो नया स्टैंड है और अचानक सिद्धू वापस मुखर हुए हैं, ये उनके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है, इसका फैसला पंजाब विधानसभा चुनाव के आते आते होगा, और उस चुनाव में सिद्धू क्या फैसला लेते हैं ये भी काफ़ी अहम होगा देखना। नमस्कार।